दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, पर आज तक उसे पकड़ कोई नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया हुआ था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का चोर कोई नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपने ही तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु संन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है, हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस भीड़ को देखकर रुकता है और यह देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा हुआ था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वह वहां से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। महात्मा बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार पर से कूद जाने के बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल के द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुन द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा होगा। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता है, और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है, और जैसे ही धन लेकर वह चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था, और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करनी चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है, और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देखता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया हुआ है।
राजा की सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं। और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे। वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुन राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी चोर बनते ही नहीं। जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। कहते हैं बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जिस पे सांचे में ढालू वैसा ही आकार ले लेता है। बच्चों को सही सूरत देने की जिम्मेदारी माता पिता शिक्षक और परिवार के अन्य लोगों की होती है। इस काम को बखूबी से अंजाम देते हैं लेकिन जाने अनजाने में वो बच्चों को ऐसी भी चीज़ें सिखा देते हैं जो बातें उनके दिमाग में गहराई में उतर जाती है, जो आगे चलकर शायद उनके स्वभाव में भी दिखने लगता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ यह सिखाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि यह कहानी आपको सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक की हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगति कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है।